और बताता है अभी बता दूंगा इंडिया 24 यस देवाधि देव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं संदीप जय प्रधान श्री दिसंबर जैन समाज गुरुग्राम इस मल्टी स्पेशलिटी कैंप में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री पार्श्वनाथ दिसंबर जैन चैरिटेबल मेडिकेयर सेंटर, इसकी स्थापना लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे कि हमारे जैकमपुरा और गुरुग्राम आसपास के सभी क्षेत्रों में जो हमारे भाई हैं उनको कम राशि में अत्यंत सुलभ रूप से स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर प्राप्त कर सके, किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज यहाँ पर ले सके, उसी श्रृंखला के अंदर आज एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से हमने यहाँ लगाया है, जिसमें के हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रो, गायनी, ऐसे चर्म रोग विशेषज्ञ, ऐसे अनेक विशेषज्ञ, सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि साधारण जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम मूल्य में, आज तो निःशुल्क है, वैसे हमारे मेडिकेयर सेंटर में मात्र 100 रुपये की OPD में और दवाइयां मुफ्त, ऐसा ये प्रतिदिन साल के 365 दिन केवल रविवार को छोड़कर सभी ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और जैन समाज सदा परस्पर ग्रहो जीवनाम, सभी प्राणी परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसकी भावना से कार्य करता है और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों पर चलते हुए यह कैंप केवल जैन समाज के लिए नहीं अपितु समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे वे अमीर हो चाहे वे गरीब हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो, उन सभी के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। और आगे भी हमारी भावना है कि हम इस प्रकार के कैंप और भी लगाएंगे, ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ कम राशि में, अथवा प्रयास रहेगा कि निःशुल्क हम इस तरह के कैंप और ऑर्गेनाइज करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे पत्रकार भाई जो यहाँ पर पधारे हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना समय यहाँ पर प्रदान किया और हमें किरदार किया। सभी को सागर जय जिनेंद्र। हाँ जी सर बताइए। जय जिनेंद्र, मैं श्रेयांक जैन, महामंत्री दिगंबर जैन समाज गुड़गांव। आज आप अभी जैसा आपको बताया गया कि एक चैरिटेबल कैंप आर्टिमिस के सहयोग से यहाँ पर चल रहा है दिगंबर जैन समाज गुड़गांव के संयोजन में, और हमारा जो चैरिटेबल हॉस्पिटल श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है उसके सहयोग से यहाँ पर कैंप लगाया गया है। हमारा जो संस्था का एक ही एम है कि सभी स्वस्थ रहें और सभी को जो पे कर सकते हैं नहीं कर सकते उनको बहुत ही रियायती दर पर इलाज मिले और वे स्वस्थ रहें, यही हम अपना एम लेकर चल रहे हैं। और इसी के उसमें हमने यहाँ पर जो हॉस्पिटल की स्थापना की है वो लगभग 3 साल से कार्य कर रहा है, और जिसके अंदर 100 रुपये हमने मात्र फीस रखी है और इसके अंदर हम मेडिसिंस फ्री दे रहे हैं। आज जो चैरिटेबल कैंप लगाया गया है उसमें लगभग हमारे मेडिसिटी सेंटर के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वे यहाँ पर आए हैं, उनके सहयोग से हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एन के जैन साहब, उनका हमारे हर कार्य में बड़ा सहयोग रहता है और उन्हीं की देखरेख में हमारा ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है। जो उनका एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का लगभग 50 साल का, उस एक्सपीरियंस का हमारी जैन समाज को और हमारे पूरे समाज को भरपूर लाभ मिल रहा है, और वो जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में किया है उसको पूरे तन मन धन से यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आगे भी हमारा समाज के लिए ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करता रहेगा, और आने वाले समय में हम इससे भी ज़्यादा बड़े कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को लाभ मिल सके। मैं आप मीडिया पार्टनरों से भी निवेदन करूँगा कि कृपया आप इस हॉस्पिटल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि हमारे गुड़गांव समाज के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ का पता चले और वो जो हम कार्य कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। धन्यवाद। हाँ जी सर, अपना परिचय दीजिए पहले आप।
परिचय दीजिए अपना। अच्छा, मैं डॉक्टर एन के जैन श्री बाशनाथ भगवान चैरिटेबल हॉस्पिटल का ही यहाँ पे डायरेक्टर हूँ और इस हॉस्पिटल को रन करने के लिए मदद करता हूँ। मैं रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हरियाणा हूँ और पेशे से मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेकिन इस हॉस्पिटल में धर्मांत के नाम पर मैं इसको जैसे मुझे हमारे प्रधान संदीप जी ने और सोसाइटी ने कहा मुझे, तो मैं उसके हिसाब से इसकी सेवा देता हूँ। इस हॉस्पिटल में हमने सभी प्रकार की सेवाएं दी हुई हैं ताकि जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जितने भी मरीज आते हैं, जिन लोग दूसरी जगह पर सेवाएं लेने में उनको मुश्किल आती है, जिनका खर्चा बहुत आता है, तो वो हम मिनिमम खर्चे में हम यहाँ लेते हैं। सिर्फ 100 रुपये कंसल्टेशन दे करके सारी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड के और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, दूसरे जितने भी टेस्ट हैं, 50% कंसेशनल रेट पर हम यहाँ पे कराते हैं। और हमारे पास डेंटल की सुविधा है, फिजिशियन है, आँखों के डॉक्टर हैं, फिजियोथेरापी है, होम्योपैथी है और साथ में एक्सरे मशीन हमारी अपनी है। तो इस प्रकार हम सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। अभी आर्टमिस हॉस्पिटल से हमने सहयोग लेकर के हमने ये उनसे जिक्र किया है कि हमारे पास स्त्री रोग विशेष नहीं है और ऑर्थोपेडिक के नहीं है, उनके भी अगले महीने से वो कह रहे हैं कि हफ्ते में एक बार ये डॉक्टर हमारे पास आएंगे, वो फ्री सर्विसेज देंगे, जिससे लोगों को आराम मिलेगा ताकि उनको बाज़ार में इन सर्विस को लेने के लिए ज़्यादा खर्चा ना। मैं डॉक्टर इतिन नागपाल हूँ। मैं इंदिरा हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट था और उसके बाद इस हॉस्पिटल से 4 महीने से जुड़ा हुआ। वैसे मैं एक दो जगह और भी प्रैक्टिस करता हूँ और ये जो हमने डिपार्टमेंट यहाँ हुआ ये तकरीबन 4 महीने पहले शुरू किया था और बिल्कुल जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है डायग्नोज की करने की वो हमने सब यहाँ पर उपलब्ध कराई है। हमें रोज कितने पेशेंट अभी यहाँ पर आते हैं? रोज के तकरीबन अभी तो 8-10 पेशेंट आ रहे हैं नॉर्मली, कई दिन 15 हो जाते हैं, पर आज का रिस्पॉन्स देख के, क्योंकि अब 3-4 मिले हुए हैं, आज का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि आगे से ये बढ़ेगा। ऐसे मरीज भी आए जैसे अभी बीच में आई फ्लू की बीमारी चली थी, तो हाँ आई फ्लू के वक्त काफ़ी मरीज आए थे और यहाँ पे मेडिसन आई फ्लू वालों को फ्री प्रोवाइड किए। जैसे बीमारी चल रही है जैसे आपको किसी प्रॉब्लम भी है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, जैसे आपको सही जल्दी पड़ जाती है, तो उसको कैसे हो जाता है? यहाँ तक देखो यहाँ पे डायग्नोस तो सब तरह का है, यहाँ तो माइनर सर्जरी है, कोई शरीर हो कुछ हो उसका तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते माइनर सर्जरी, पर जो मेजर सर्जरी है वो भी हमने शुरू नहीं की है, जो फ्यूचर में प्लानिंग है। और उन पेशेंट का हमने फिजिकल ऐसा कर दिया है कि वो पेट कराना चाहे तो पेट भी करा सकते हैं, लाल में जुड़ा हुआ मैं लाल में भी शादी करता हूँ और एक बारह महीने से शायद वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ पे फ्री का भी प्रोविजन है, वहाँ मैं उनका फ्री भी ट्रीटमेंट करता हूँ। पेशेंट की बाकी डिपेंड है इंश्योरेंस दोनों तरह का प्रोविजन हॉस्पिटल के लिए। इसकी रोज की खुलने की ये 9 से 2 बजे तक रहता है और रोज एड्रेस बताओ यहाँ का? ये मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ, 11 से 2 और फ्राइडे। इसके बाद इसका एड्रेस तो फर्स्ट जैन धर्मशाला फर्स्ट ठीक।